हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप एडू जोन एंड आई एम योर होस्ट एज यूजुअल दीपक कुमार। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द कैरेक्टर्स ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस नोवेल दैट इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर एनी कॉलेज एंड एनी यूनिवर्सिटी। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कैरेक्टर्स जो है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है प्राइड एंड प्रेजुडिस में, क्योंकि इसकी जो समरी है और इसकी स्टोरी जो है इसको समझने से पहले आपको उसके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और वो क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी के लिए भी हो और किसी भी कॉलेज के लिए जिसमें प्रेस्क्राइब किया गया है वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी। और जो भी जो SSJ कैंपस हो, कुमार यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस में पढ़ते हैं और BA सेकेंड ईयर में है या किसी भी BA के मोड में है, चाहे एनुअल मोड में है या सेमेस्टर मोड में है, प्राइड एंड प्रेजुडिस नोवेल है, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर कैरेक्टर्स के बारे में। तो कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर बताते हैं, इसके बाद हम और भी वीडियोज़ के रिलेटेड बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजाबेथ बेनेट, तो एलिजाबेथ बेनेट यहाँ पर सबसे मेन कैरेक्टर है, एक तरीके से आप इसको हीरोइन भी कह सकते हैं। एलिजाबेथ बेनेट कौन है? एन इंटेलिजेंट एंड स्पिरिटेड यंग वूमेन, एक बहुत ही इंटेलिजेंट है और स्पिरिटेड है, बहुत ही स्पिरिट से भरी हुई, बहुत ही करेज साहस से, और या कह लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा जो जीवन के लिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं उस उत्साह उस उमंग से भरी हुई यंग वूमन है। हु पजेस द कीन विट, जिसकी जो बुद्धि है बहुत ही ज़्यादा कीन है, बहुत ही तेज शार्प बुद्धि है और इंजॉय करती है स्टडिंग पीपल्स कैरेक्टर और लोगों के कैरेक्टर्स को पढ़ना, उनके पात्र चरित्रों को समझने में उनको बहुत इंजॉय करती है। ऑल दो सी इनिशियली डिसलाइक, यद्यपि जब शुरुआत में मुलाकात होती है इसकी जो हीरोइन है एलिजाबेथ बेनेट की, तो उसकी जब मुलाकात होती है इनिशियली डिसलाइक डेसी, तो डेसी से का साथ जो मुलाकात होती है उसको वह डिसलाइक करती है, उसको पसंद नहीं करती है। लेकिन जैसे जैसे नोवेल आगे बढ़ता है सर्कमस्टेंसेस कॉज, जैसे तो सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं जो परिस्थितियाँ होती हैं कॉज हर टू रीअसेस, तो मजबूर कर देती है कि भाई जो तुमने नेगेटिव विचारधारणाएँ बनाई हैं डेसी के लिए, जो नकारात्मक सोच रखी है उसे रीअसेस किया जाए, उसे पुनर्मूल्यांकन किया जाए, उसे जांचा परखा जाए। तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है कि वह सोचने में मजबूर हो जाती है, दोबारा से रीथिंक करती है अपनी सोच पर, जो नेगेटिव थिंकिंग बना ली, नेगेटिव इंप्रेशन बना लिया है, जो छवि बना ली है उसके बारे में, उसके लिए वह मजबूर हो जाती है। एंड शी इवेंचुअली फॉल्स इन लव विद हिम, और फाइनली वह उससे प्रेम करने लगती है। उसके बाद दूसरा जो मेन कैरेक्टर है, जो कि इसको हीरो कह लीजिए, ठीक है, और जो फिट्ज विलियम डेर्सी है, तो फिट्ज विलियम डेर्सी अ वेल्दी प्राउड मैन, एक बहुत ही पैसे वाला प्राउड मैन का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गर्व गौरवान्वित महसूस करने वाला। हो फॉल्स इन लव, तो बहुत थोड़ा सा घमंड भी है उसके अंदर, थोड़ा प्राइड है। फॉल इन लव विद, वो एलिजाबेथ से प्रेम करने लग जाता है। एंड रिवील्स अ जनरस, और एक बहुत ही ज़्यादा जनरस, बहुत ही उदार, परोपकार, दूसरों का भला करने वाला, थॉटफुल नेचर है बीनीथ। ऊपर से अगर आप देखते हैं तो हिज समवट स्टिव डिमीनर का मतलब होता है कैरेक्टर, या मतलब कह लीजिए उसका जो व्यवहार है, जो उसका आचरण है, उसका जो आचरण है वो शुरुआत में ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही कठोर है, लेकिन कठोरता के अंदर वो उसका जो व्यवहार है बहुत ही ज़्यादा जनरस और थॉटफुल नेचर वाला वो इंसान है। ठीक है, डिमीनर मारे होता है, डेमनर मीन्स क्या होता है? आचरण। डेमनर मीन्स आचरण या व्यवहार, कैरेक्टर, बिहेवियर। ओके, देन नेक्स्ट है मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट कौन है? एलिजाबेथ का आयरनिक सार्कास्टिक, जिसे कह सकते हैं, जो ये एलिजाबेथ का थोड़ा व्यंगात्मक कैरेक्टर है, जो एक तरीके से कटाक्ष करता है और मजाक उड़ाता है, जैसे सार्कास्टिक आपने सुना होगा, व्यंगपूर्ण, एक मजाक या उपहास उड़ाते हुए, तो एलिजाबेथ का एक उपहास उड़ाता हुआ कैरेक्टर है। एंड ऑफन एपेथेटिक फादर, और वह जो है एलिजाबेथ का आयरनिक और एंड ऑफन एपेथेटिक फादर, तो अब वो उनके पिता अगर कहें तो एक तरीके से हास्यास्पद, जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है या मजाक उड़ रहा है। ऑफन एपेथेटिक फादर, एपेथेटिक का मतलब होता है उदासीन। ठीक है, तो थोड़ा सा डल या अनइंटरेस्टिंग फादर हैं इन्हें, इनका जो नेचर थोड़ा डल अनइंटरेस्टिंग है, और एलिजाबेथ का जो ये आयरनिस्टिक फादर हैं एक तरीके से, ठीक है, जिनकी कहीं ना कहीं मजाक उड़ाई जा रही है और ये हंसी के पात्र बने हुए हैं नोवेल में,
नोवेल में, एंड अनहैप्पी मैरिड, ये इनकी शादी हो गई है लेकिन इनकी जो मतलब लाइफ है वो अनहैप्पीली मैरिड है, मतलब शादी होने के बाद खुश नहीं है, शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत सारी परेशानियां इनके जीवन में है। ही हैज फेल्ड टू प्रोवाइड अ सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर, वह अपने परिवार को एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर भी प्रोवाइड नहीं करा पाए, ना तो अपनी पत्नी को और ना ही अपनी बेटियों को। नेक्स्ट है मिसिज बेनेट, तो यहाँ पर पूरा बेनेट फैमिली के बारे में आ रहा है। जो एलिजाबेथ है वो सेकंड नंबर की, मतलब सेकंड नंबर की डॉटर है अपने पिता की, दूसरे नंबर की बेटी हैं, ठीक है। तो आगे बताएंगे हम कौन कौन सी बेटियाँ हैं इनकी। तो यहाँ पर एलिजाबेथ बेनेट के बारे में, अब यहाँ बेनेट फैमिली शुरू हो चुकी है मिस्टर बेनेट, तो पूरे परिवार के बारे में एक एक करके बनाते जाने। तो मिस्टर बेनेट हो गए, इनके पापा हो गए, और मिसिज बेनेट जो हो गई वो इनकी मम्मी हो गई। एलिजाबेथ की पुलिस, एलिजाबेथ की ये है मतलब पुलिस एक बेवकूफ़ और अनस्ट्रेंड, मतलब थोड़ा वाइल्ड मदर हैं, एंड हु इज ऑप्से, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जुनून सवार है, बस हु फाइंडिंग हस्बैंड फॉर अ डॉटर, की कैसे भी मतलब इनको जल्दी है, बहुत जल्दी है अपनी बेटियों के लिए अपना उनका पति ढूंढने की, बहुत ज़्यादा जुनून सवार है, बस कैसे भी ये अपनी सभी बेटियों की शादी करा दे, ये जुनून उनके ऊपर सवार है, ये जुनून उनके ऊपर सवार है। तो आगे देखते हैं और कौन कौन बेनेट फैमिली में है। जैन बेनेट है, यहाँ पर जैन बेनेट कौन है, जेंटल और काइंड हार्टेड यंग वूमेन है, बहुत ही जेंटल, बहुत ही सज्जन, काइंड हार्टेड, ये दयालु स्वभाव वाली यंग वूमेन है। हु इज एलिजाबेथ, कौन, जो एलिजाबेथ की मतलब जो एलिजाबेथ जो किसकी इस नॉवल की हीरोइन है, एलिजाबेथ की बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड द ओल्डेस्ट ऑफ द बेनेट डॉटर, जो बेनेट डॉटर के हैं सबसे बड़ी बेटी है, मतलब पहले नंबर की लड़की जो है वो बेनेट फैमिली की ये है, ठीक है। एलिजाबेथ की, एलिजाबेथ सेकंड नंबर में आती है। सी फॉल्स इन लव विद हिम, और इनको प्रेम हो जाता है, किनसे प्रेम हो जाता है, इनसे बिंगले से प्रेम हो जाता है, बट इज कॉशियस अबाउट रिवीलिंग द डेप्थ ऑफ हर फीलिंग्स ऑफ लव, लेकिन जो अपनी फीलिंग्स हैं, जो उसके प्रेम की जो भावनाएँ हैं अपने ने, प्रेमी के लिए मतलब बिंगली के लिए, तो बिंगले के लिए वो जाहिर नहीं करना चाह रही, बिंगले के लिए जो इनके मन में प्रेम है उस प्रेम को वो जाहिर नहीं करना चाहती हैं, जो प्रेम प्रेम की गहराई है उसको दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बच बच कर या कॉशियस हैं, बहुत ही सावधान है, सजग हैं। उसके बाद आता है नंबर मैरी बेनेट का। मैरी बेनेट जो है द प्रिटेंशियस, एक थोड़ी सी बहानेबाज टाइप की ड्रामेबाज थर्ड बेनेट, ये थर्ड बेनेट डॉटर हैं और बेनेट फैमिली की डॉटर हैं। हु प्रेफर्स रीडिंग एंड ओवर सोशलाइजिंग, जो दिखावा करती हैं वो प्रेफर्स रीडिंग, मतलब उनको रीडिंग करने का शौक है, ओवर सोशलाइजिंग मतलब समाज से ज़्यादा उन्हें पढ़ने का शौक है, समाज से ज़्यादा उन्हें पढ़ने का शौक है, एक तरीके से दिखावा करती हैं ये। उसके बाद कैथरीन किटी बेनेट है, कैथरीन जो है, कैथरीन या किटी बेनेट कह लीजिए, किटी इनका निकनेम, कैथरीन जो बेनेट है, बेनेट है, तो द बेनेट से पीविस, ये थोड़ी सी बेनेट की पीविस, इरिटेटेड, कुछ चिड़चिड़ी स्वभाव की है, चिड़चिड़ी स्वभाव की है ये कैथरीन, एंड फोर्थ डॉटर है ये, हु जॉइंस हर सिस्टर, जो ज्वाइन करती हैं अपनी सिस्टर को लीडिया को इन फ्लर्टिंग विद सोल्जर, क्यों मतलब ये उनका साथ देती है दोनों ही, लीडिया और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करती हैं अपने फ्लर्ट करती हैं लीडिया बेनेट के साथ, सोल्जर्स के साथ, सोल्जर के साथ ये फ्लर्ट करने में लगी रहती हैं। नेक्स्ट है लीडिया बेनेट, लीडिया बेनेट कौन है, द बेनेट्स इमेच्योर, ये बेनेट की फैमिली की सबसे इमेच्योर और सबसे इरेस्पॉन्सिबल, सबसे अपरिपक्व और इरेस्पॉन्सिबल, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना यंगेस्ट डॉटर हैं, एंड मिसेज बेनेट से फेवरेट, लेकिन ये जो है मिसेज बेनेट की मतलब उसकी जो मम्मी है, ठीक है, एलिजाबेथ की, मिसेज बेनेट उनकी बहुत फेवरेट है, शी शॉक्स द फैमिली, वो है मतलब, लेकिन जो लीडिया है वो अपने परिवार को एक तरीके से शॉक कर देती है जब वो भाग जाती है विकेम के साथ, तो उनको शॉक कर देती है। उसके बाद आता है नंबर चार्ल्स बिंगले का। चार्ल्स बिंगले कौन है, चार्ल्स बिंगले जो है अ गुड नेचर्ड एंड वेल्दी मैन, ये बहुत ही गुड नेचर्ड के और बहुत ही वेल्दी मैन है। हु फॉल्स इन लव विद जैन, जो जैन से प्रेम करने लग जाते हैं, और जैन कौन है, अभी आपको बताया, जैन बेनेट जो है वो काइंड हार्टेड है और सबसे जो और काइंड हार्टेड यंग वूमन है, एंड एलिजाबेथ के और ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी बेटी जो है, ठीक है, जैन बेनेट है एलिजाबेथ की बड़ी बहन। तो आपको थोड़ा सा कैरेक्टर्स को भी ध्यान में रखना है कि कौन कहाँ पर है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो चार्ल्स बिंगले जो है वो गुड नेचर्ड का वेल्दी मैन है, बहुत ही पैसे वाला इंसान है। इसको प्रेम हो जाता है एलिजाबेथ की, बेनेट फैमिली की जो सबसे ओल्डेस्ट डॉटर है, सबसे बड़ी बेटी है, उससे प्रेम हो जाता है। ही इजीली इन्फ्लुएंस बाय अदर, लेकिन ये ऐसा पात्र है जो बहुत ही जल्दी दूसरे लोगों से प्रभावित हो जाता है। स्पेशली और ख़ास तौर से जो प्रभावित होता है वो होता है क्लोज फ्रेंड, स्पेशली बाय हिज क्लोज फ्रेंड डेर्सी। डेर्सी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगली है कैरोलिन बिंगले। कैरोलिन बिंगले कौन है? बिंगले शैलो एंड हॉटी सिस्टर। ये बिंगले की थोड़ी खोखली और हॉटी, बहुत ही मतलब घमंडी, दंभ मतलब जिसमें घमंड बहुत है, ऐसे उस वो सिस्टर हैं। तो बिंगले की ये जो कैरोलिन बिंगले हैं, कैरोलिन बिंगले बिंगले की जो बिंगले की ये क्या है, जो चार्ल्स बिंगले हैं उसकी खोखली और घमंडी बहन है ये। एंड हु बिफ्रेंड्स जैन, जो जैन से दोस्ती कर लेती है। जैन कौन है? अभी आपको बताया, जैन सबसे जो कि ओल्डेस्ट डॉटर है पिनेट फैमिली की वो है, ठीक है। तो और जो उसका भाई है, इसका मतलब चार्ल्स बिंगले, वो इससे प्रेम करता है, ठीक है। तो हु बी फ्रेंड जैन, जो जैन के साथ दोस्ती करती है, एंड लेटर, और बाद में स्नप्स हर, और उसको अपना मतलब साथ में उसके अपने विश्वास में ले लेती है। और सी अटेम्प्ट्स टू अट्रैक्ट डेर्सीज अटेंशन, और वह प्रयास करती है डेर्सी का अटेंशन खींचने का की कोशिश करती है। एंड सी जेलस, और उसको जेलस है व्हेन, और इसको जेलस है, जलती है व्हेन डेर्सी इज इंस्टेड ड्रॉन टू एलिजाबेथ, जबकि जो डेर्सी है जब जेलस, और वो जलने लग जाती है जब डेर्सी खींचा चला जाता है एलिजाबेथ की। तो ये हो गया यहाँ पर चार्ल्स बिंगले और कैरोलिन बिंगले भाई बहन है। चार्ल्स बिंगले को प्रेम हो जाता है जैन से, और कैरोलिन बिंगले जो है वो दोस्ती करती है जैन से, और ये अट्रैक्ट हो जाती है किसकी तरफ? डेर्सी की तरफ, डेर्सी की तरफ। लेकिन ये जलने लगती है, ईर्ष्या हो जाती है जब वो देखती है कि डेर्सी जो है, मैं इससे डेर्सी को उससे को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, प्रेम में मैं फंसाना चाहती हूँ, लेकिन वो डेर्सी जो है वो खींचा चला जा रहा है एलिजाबेथ के प्रति। मिस्टर एंड मिसिज हर्स्ट, अब ये जो है जो बिंगले के स्नोबिस्ट सिस्टर है, स्नोबिस्ट का मतलब एक तरह असभ्य अनसिविलाइज्ड सिस्टर, ये बिंगले की जो अनसिविलाइज्ड सिस्टर है, ठीक है। तो ये अनसिविलाइज्ड सिस्टर है, एक तरह दम्भ या घमंड से भरी है। एंड ब्रदर इन लॉ, तो मिस्टर भी हैं और मिसिज हर्स्ट है, तो मिस्टर और मिस्टर कौन है? तो बिंगलेस स्नोबिस्ट सिस्टर, बिंगले की स्नोबिस्ट सिस्टर है, तो बिंगले की घमंडी बहन है ये। और मिस्टर हर्स्ट जो है वो कौन है? ब्रदर इन लॉ, वो उसके ब्रदर इन लॉ है। एंड मिसिज हर्स्ट, जो मिसिज हर्स्ट हैं, स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, वो बहुत ज़्यादा समय गॉसिप करने में बिताती हैं विद कैरोलिन, कैरोलिन के साथ, कैरोलिन बिंगले के साथ, ठीक है। तो मिसिज हर्स्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा समय कैरोलिन के साथ बात करने में बिताती हैं। वाइल जबकि जो मिस्टर हर्स्ट है डज लिटिल मोर, वो थोड़ा ज़्यादा डज लिटिल मोर प्ले कार्ड्स, वो कार्ड ज़्यादा खेलता है और स्लीप, सोने में अपना समय ज़्यादा बिताता है, ठीक है। तो ये बिंगले की स्नोबिस्ट सिस्टर और उनके पति हैं, ब्रदर इन लॉ, जो कि ठीक है बिंगले की ब्रदर इन लॉ है। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, मिस्टर एंड मिस्टर हर्स्ट, ठीक है। और इनका संबंध चार्ल्स बिंगले और कैरोलिन बिंगले से है। और जो मिस्टर हर्स्ट हैं, मिसिज हर्स्ट हैं, वो तो बहुत ज़्यादा गॉसिप करती हैं, कैरोलिन बिंगले के साथ अपना समय गुजारती हैं, लेकिन जो दूसरे हैं इनके पति हैं, वो बहुत ज़्यादा समय कार्ड खेलने में और सोने में बिताते हैं। नेक्स्ट है जॉर्ज विकमैन। जॉर्ज विकमैन कौन है? अ हैंडसम एंड पर्सोनेबल फॉर्च्यून हंटर। और ये जो है बहुत ही सुंदर और व्यक्तित्व से फॉर्च्यून हंटर है, किस्मत से ये हंटर है। हंटर का मतलब शिकार करने वाले हैं। टू हूम एलिजाबेथ, शिकारी हैं। टू हूम एलिजाबेथ इज इनिशियली अट्रैक्टेड, जिसकी तरफ जो एलिजाबेथ है शुरुआत में जब आकर्षित होती है तो विकमैन के प्रति आकर्षित हो जाती है होती है। एंड ही इवेंचुअली रन ऑफ, लेकिन वह इवेंचुअली रन ऑफ विद, लेकिन वह मार्ग से हट जाता है। एंड इज फोर्स टू मैरी लाइडिया, और बाद में मजबूर हो जाता है वो लीडिया से, इसकी शादी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी शादी किससे हो गया? लीडिया से हो गई। और लीडिया कौन है ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये लीडिया यहाँ पर देखिए, तो आपको लीडिया बिनेट कौन है? लीडिया बिनेट बिनेट फैमिली से ही बिलोंग करती हैं और सबसे यंगेस्ट डॉटर है। तो यहाँ पर जो शादी है तो यहाँ पर हम बता रहे थे आपको, जस्ट अ मिनट,
यस। तो जॉर्ज विकमैन से शादी हो गई लीडिया, मतलब उसकी जो सबसे छोटी बेटी है विलेट फैमिली की, उसकी शादी विलेट फैमिली की, उसकी शादी हो जाती है जॉर्ज विकमैन से। शुरुआत में एलिजाबेथ आकर्षित जरूर होती है, लेकिन बाद में वो हट जाता है अपने रास्ते से भटककर। वो बाद में फिर और वो पाता है कि वो मजबूर हो गया है, और वो लीडिया से शादी उसकी हो जाती है। तो शादी इसकी लीडिया से हो गई, ठीक है। लेडी कैथरीन डी बॉट, तो जो लेडी कैथरीन है डी बॉट, डेर्सीज एरोगेंट आंट, ये डेर्सी की कौन है, डेर्सी की एरोगेंट आंट है डेर्सी, जिससे शादी हुई एलिजाबेथ की, एलिजाबेथ प्रेम करती है डेर्सी, एरोगेंट एरोगेंट है डेर्सी, एरोगेंट की डेरी की डेरी की डेर्सी की एरोगेंट आंट है, बहुत ही घमंडी एक चाची हैं। हु डोमिनेट्स मिस्टर कॉलिंस, जो डोमिनेट करती हैं मिस्टर कॉलिंस को, जो मिस्टर कॉलिंस को क्या करती हैं यहाँ पर, मतलब उसको डोमिनेट करती हैं, उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाती है, एंड एंटरटेन और एंटेन करती हैं होप्स दैट हर डॉटर विल मैरी डेर्सी, और मतलब वो होप करती है कि उसकी डॉटर विल मैरी डेर्सी, कि उसकी जो डॉटर है वो डेर्सी से शादी करेगी, तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसे शादी करेगी डेर्सी से। तो डेर्सी की एरोगेंट आंट हो गई हैं, ठीक है, जो डोमिनेट करती हैं मिस्टर कॉलिंस को, एंड एंटरटेन करती हैं, यहाँ मनोरंजन करती हैं, और होप भी देती हैं दैट हर डॉटर की, उसकी बेटी शादी करेगी डेर्सी से। तो ये अपनी बेटी की शादी कराना चाहती है लेडी कैथरीन डी ब्रॉट। और उसके बाद आता है मिस डी बॉ, ये लेडी कैथरीन की, ये जो इनकी बेटी है लेडी, अभी अभी बताया आपको लेडी कैथरीन की, तो लेडी कैथरीन की जो बेटी है वो है मिस ड्रॉ, तो ये मिस डी ब्रो है। तो मिस डी ब्रो जो है वो लेडी कैथरीन की सिकली, बहुत ही बीमार जैसी लगती है, और ब्लैंड डॉटर है, बहुत ही अनइंटरेस्टिंग, मतलब जैसे कि जिसकी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, बिल्कुल चुपचाप अकेले ही वो ऐसी लगती है, बहुत ही बोरिंग स्वभाव वाली महिला है, यंग मतलब यंग वूमन है, यंग लेडी है। एंड उसके बाद आता है कॉलोनल फिट्ज़वेन की, विलियम की बारी आती है। अब यहाँ पर ये जो है कॉलोनल फिट्ज़विलियम, ये डेर्सीज के वेल मैनर्ड एंड प्लीजेंट कज़न है। ये डेर्सी के कौन है, वेल मैनर्ड एंड प्लीजेंट कज़न, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले प्लीजेंट कज़न है। तो ये डेर्सी के कौन है, कज़न है, हु इज इंटरेस्टेड इन एलिजाबेथ। अब इनको भी इंटरेस्ट आ जाता है एलिजाबेथ में, बट हु नीड्स टू मैरी, इंटरेस्ट पैदा होता है, लेकिन ये है इनको ऐसी लड़की चाहिए टू मैरी समवन विद मनी, ऐसा ऐसी व्यक्ति लड़की की तलाश कर रहे हैं जो धनी परिवार से हो, जबकि जो एलिजाबेथ है वो इतनी धनी परिवार से बिलोंग नहीं करती है, उसके घर की मालिकाना हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो क्योंकि तो कॉलोनल जो फिट्ज़विलियम है ये आकर्षित होते हैं, ये चचेरे भाई हैं, कज़न हैं किसके, डेर्सी के, ठीक है, डेर्सी जो प्रेम करता है एलिजाबेथ से, और इंटरेस्टेड ही शुरुआत में इंटरेस्टेड होते हैं एलिजाबेथ में, लेकिन जब पता चलता है तो ये अपने मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसी लड़की चाहिए भाई जो पैसे वाली हो, और एलिजाबेथ पैसे वाली नहीं है। तो उसके बाद नंबर आता है जॉर्जियाना डेंसी, जॉर्जियाना डेंसी, डेंसी का एक शाय बट वार्म हार्टेड सिस्टर, ये है डेर्सी की सिस्टर, ये कौन है जो इसका हीरो है इस प्ले का, डेर्सी की, ये बहुत ही ज़्यादा, जिसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है डेर्सी, वो बहन है उनकी। मिस्टर कॉलिंस, जिसका जिक्र अभी पहले हुआ था, मिस्टर कॉलिंस कौन है, ये है मिस्टर बिनेट के रिडिकुलस कजिन, बहुत ही मूर्खतापूर्ण एक हास्यास्पद कैरेक्टर है, कजन है ये, और ये कौन है, ये मिस्टर कॉलिंस है। यहाँ पर मिस्टर कॉलिंस का जिक्र किया था मैंने, लेडी कैथरीन, ठीक है, ये डोमिनेट करती है मिस्टर कॉलिंस को, और मिस्टर कॉलिंस कौन है मैंने आपको बता दिया, मिस्टर कॉलिंस जो है वो एक रिडिकुलस कजिन है बिनेट फैमिली के। तो आगे देखें तो ये रिडिकुलस कैरेक्टर है इस प्ले का, हास्यास्पद, हु विल इनहेरिट लॉन्गबर्ग, जिन्हें लॉन्गबर्न मिला आफ्टर मिस्टर बिनेट, जिनको क्या मिलेगा, मतलब अगर मिस्टर बिनेट की मृत्यु हो जाएगी मिस्टर बिनेट, तो इनको इनहेरिट में परपैतृक रूप से विरासत में इनको लॉन्गबर्न मिलेगा। एंड अपॉन लेडी कैथरीन, और लेडी कैथरीन डी बॉग, लेडी कैथरीन जो है डी बॉग के रिकमेंडेशन में, जब उन्होंने सिफारिश की ही सी का ब्राइट, वो
उसकी सिफारिश पर वो ब्राइड ढूंढने लग जाता है, एक दुल्हन की तलाश है उसे भी। फर्स्ट प्रपोजिंग टू एलिजाबेथ, ये भी ये क्या करता है, पहले एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, देन टू कैथरीन लुकास। जब लेकिन जब बात नहीं बनती है तो फिर जो चार्लोटे लुकास है उसको वो प्रपोज करता है। अब चार्लोटे लुकास कौन है, इसके जस्ट बिलो मैंने दे भी दिया। चार्लोटे लुकास जो है एलिजाबेथ के सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट फ्रेंड है। अब यहाँ पर इसकी शादी, तो मिस्टर कॉलिंस शुरुआत में प्रपोज करते हैं एलिजाबेथ को, लेकिन एलिजाबेथ से शादी नहीं हुई इनकी। और यहाँ पर चार्लोट लुकास को फिर उसके बाद ये देखते हैं, चार्लोट लुकास के पास जाते हैं। चार्लोट लुकास कौन है, चार्लोट लुकास जो है एलिजाबेथ की सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट फ्रेंड है। हु डिसअपॉइंट्स एलिजाबेथ बाय मैरिज, जो डिसअपॉइंट्स है, हु डिसअपॉइंट्स एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ को डिसअपॉइंट करती है बाय मैरिज मिस्टर कॉलिंस फॉर मनी एंड सिक्योरिटी। हु डिसअपॉइंट्स एलिजाबेथ, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती है एलिजाबेथ को, क्योंकि वो शादी कर लेती, वो नहीं चाहती थी एलिजाबेथ की वो शादी करे, तो कहीं ना कहीं वो हु डिसअपॉइंट, तो ये जो है उसकी फ्रेंड डिसअपॉइंट करती है एलिजाबेथ को बाय मैरिंग मिस्टर कॉलिंस, कि वो मिस्टर कॉलिंस से केवल इसलिए शादी कर लेती क्योंकि उसके पास मनी है और सिक्योरिटी है, इसको देखकर वो उससे शादी कर लेती है। उसके बाद सर विलियम एंड लेडी लुकास, ये चार्लोट्स के पेरेंट हैं। चार्लोटे लुकास, अब यहाँ पर होता है चार्लोट कौन है, तो चार्लोटे लुकास के पेरेंट्स हैं एंड द बिनेट्स नेबर, और बिनेट के पड़ोसी हैं, मतलब पड़ोसी हैं ये लोग, ठीक है। इस और ये इसकी फ्रेंड हो गई एलिजाबेथ की, चार्लोटे लुकास, तो इससे शादी हो गई कॉलिंस की। तो थोड़ा सा आपको कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सो मैनी कैरेक्टर्स देयर आर इन द नोवेल दैट एनीबडी कैन बी कन्फ्यूज। सो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से क्लियर कर लीजिए कौन है, क्योंकि ताकि आपको इसकी समरी समझ में आ पाए, ठीक है। उसके बाद है मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर, अब ये कौन है, मिस्टर बेनेट्स इंटेलिजेंट, ये जो मिसेज बेनेट है, मिसेज श्रीमती बेनेट के इंटेलिजेंट एंड कल्टिवेट, बहुत ही एजुकेटेड ब्रदर, कल्टिवेटेड एजुकेटेड ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ है, तो कल्टिवेटेड ब्रदर और उसके भाभी। तो मिस्टर एंड मिसेज गार्डनर ये हैं मिस्टर बिनेट के इंटेलिजेंट, मिसेज बिनेट के सॉरी उसकी जो पत्नी है मिस्टर बिनेट की, मिसेज बिनेट के इंटेलिजेंट एंड कल्टिवेटेड ब्रदर हैं, उसका भाई और उसकी भाभी है गार्डनर, मिस्टर एंड मिसेज गार्डनर, ओके। तो लास्ट बचा अब मिस्टर एंड मिसेज फिलिप, मिस्टर एंड मिसेज फिलिप अब कंट्री अटॉर्नी, ये कंट्री अटॉर्नी है, ये रिप्रेजेंटेटिव है कंट्री के, गांव के, एंड वल्गर वाइफ, और ये जो मिसेज फिलिप है ये उनकी वल्गर वाइफ है, बहुत ही भद्दी स्वभाव वाली है। एंड हु इज मिसेज एंड हु इज मिसेज बेनेट सिस्टर, और ये कौन है जो मिसेज बेनेट है, बेनेट की, मिसेज बेनेट की बहन भी हैं। तो आप पहले इनको समझ लीजिए, इसके बाद मैं समरी और हो सका तो इसकी थीम एज फार एज पॉसिबल आई विल सून अपलोड, ओके। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।